नागदा आरपीएफ पुलिस ने घर से भागकर आए नाबालिग को स्टेशन से बरामद किया। नाबालिग भवानी मंडी से अपने परिजनों से नाराज होकर भाग गया था, जिसे सहायक उप निरीक्षक संतोष सिंह ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से पकड़ लिया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कहाँ रहते हैं आप? कानपुर। कानपुर में किस जगह रहते हैं? कानपुर में चकेरी रेलवे स्टेशन के पास में। आप अपना घर जो है घर से छोड़े हैं या कहीं और से? स्कूल से छोड़े। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? नेहरू कॉलेज अजमेर। अजमेर में। तो कब गाड़ी कब स्कूल छोड़ा था आपने? कल रात को। आपके पास में कोई सामान वगैरह? कुछ नहीं। बैग आपका स्कूल बैग? सब स्कूल में। स्कूल में छोड़ने का कारण पूछ सकता हूँ? मेरा एक फ़ोन कॉट हो गया था, जो कि अलाउड नहीं होता स्कूल में, लेकिन मैंने रखा था तो मुझे डर था कि स्कूल रेस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि पहले 2-3 बार और भी हो चुका है, तो इस बार मुझे डर था कि स्कूल रेस्ट्रिक्ट कर देगा और अगर पापा मम्मी को पता चलता है तो वो लोग बहुत गुस्सा होंगे और मुझे डांटेंगे, इसके डर से मैंने। ये टिकट आपने कहाँ से परचेज़ किया? जयपुर। जयपुर से। और आपको ट्रेन में कोई परेशानी नहीं? किसी ने परेशान किया होगा कुछ ऐसा? कुछ नहीं। हेडक्वार्टर से जो सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई बच्चा जो है सवारी गाड़ी नंबर 12956 जयपुर बांद्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच में जो है घर छोड़कर जो है वो जा रहा है, इस सूचना पर जो है मैंने स्वयं और अपने स्टाफ के साथ में जो है उस कोचों को जो है ढूंढा और तो उसमें बच्चा जो है यूनिफॉर्म पहने हालत में जो है मिला। शंका होने पर उसको जो है पूछा, उसने नाम अपना हर्ष सिंह सनाफ टीएन सिंह निवासी कानपुर का रहना बताया और जो है आगे पूछताछ किया तो उसने स्वीकार किया कि मैं जो है अपना स्कूल मेहू कॉलेज अजमेर राजस्थान से जो है बिना स्कूल प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिए जो है निकल आया हूँ और ये मेरी गलती है ऐसा करके तब उसको जो उतारा गया और जो है तमाम जो औपचारिकता पूर्ण कर उसको चाइल्ड लाइन रतलाम में जो है सुपुर्द किया गया। सर, इस बात की सूचना उसके परिवारजनों को दी गई? इस बात की सूचना उसके परिजनों को दी गई और जो है जो पुलिस प्रशासन अजमेर में उनके खिलाफ जो है FIR की थी उनको भी इंटीमेट किया गया, तो ये बच्चों को जो है वहाँ से ले गया।